हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मर्जा पठान, आप लोगों की तरफ से खास तौर पे बारिश के मौके पर किस तरह की प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है और ये कहां पर होगा और कितने साल के उम्र के बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता है? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। हम लोग बारिश में रेनी गली सीजन स्पोर्ट्स रखने की तैयारी में हैं। डॉक्टर जितेंद्र वहाट साहब और अशरफ शानू पठान साहब के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 12 जून संडे को। इसका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है ये सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से होगा। टोटल 7 गेम्स हैं और 21 प्राइज हैं। जैसे पर गेम फर्स्ट प्राइज़ को रहेगा 5,000 रुपये, सेकेंड प्राइज को रहेगा 3,000 रुपये और थर्ड प्राइज़ को रहेगा 2,000 रुपये। और बाकी के जो बच्चे हैं जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको एज पास पार्टिसिपेशन गिफ्ट भी मिलेगा और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको हम लोग मेडल भी देंगे और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देंगे। ये प्रोग्राम हम लोगों ने खास करके रखा है बच्चों के लिए ताकि वो उनका न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले उनका एक स्पोर्ट्स में जो के है एक एक्सपोजर हो जाए और जो उनको अमाउंट मिलेंगी प्राइस की उससे वो अपने एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, उनको चाहे तो, नहीं तो वो अपने स्पोर्ट्स में ही आगे खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं? ऑफकोर्स हर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 15 साल की उम्र तक के कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें जो गेम है वो कौन कौन से खेल है? जैसे कि अभी मर्जा ने सारी आपको तफसील बता दी है कि हमने जो रेनी स्पोर्ट्स जो अभी रखा है, गली स्पोर्ट्स, ये कौसा परिसर के लिए हमने रखा है ताकि अभी इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दरगाह गली के अंदर जो मैदान है, दरगाह गली मैदान में हर बार जो है शानू भाई की तरफ से, जितेंद्र वार साहब और शानू पठान की तरफ से जो हर साल वहाँ पर स्पोर्ट्स गेम रखते हैं, इसके पहले भी बड़े बड़े वहाँ पर गेम्स का जो आयोजन किया गया है उसी को तरजीह देते हुए हमने अंदर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब और शानू पठान के सहयोग से घास वाला कंपाउंड के अंदर जो मैदान है हाल ही में अभी वहाँ पर हमने एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया, उसी को लगकर जो मैदान है उसी मैदान में इस गेम का जो है आयोजन किया गया है। और इस गेम के अंदर जो है गेम के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जिस तरह से हम गेम रख रहे हैं जैसा बताया कि 7 गेम है, 7 गेम के वाला जो है स्नैक रेस है जो गोनी में जैसा बच्चे लोग दौड़ते हैं उसके लिए है, लेमन स्पून है चम्मच में नींबू रख के जो दौड़ना है वो, फिर रनिंग रेस है, साइकिलिंग है, खो खो है, कबड्डी है और म्यूजिकल चेयर है। ये सब गेम का जो आयोजन किया गया है जिसमें जो है जैसा कि मर्जा ने बताया कि 15 साल के अंडर 15 के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें लड़की लड़कियां दोनों भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। और इसी के साथ हमने जो है जो आज स्कूल का जो अभी सीजन शुरू होने वाला है, हम जैसे हम स्कूल पढ़ते थे देखा जाता था कि जो स्पोर्ट्स जो होते थे वो दिसंबर या जनवरी के महीने में होते थे, तो हमारी मर्जी की ऐसी सोच थी कि इस चीज़ को जो स्कूल के जो गेम पहले जो 20 सेंटर में होते हैं क्यों ना उसको जो हम पहले करा के बच्चों के अंदर जो है मतलब एक ऊर्जा पैदा हो ताकि वो स्पोर्ट्स में और बढ़ावा दें। तो हमने इसी के बात को मद्देनजर रखते हुए जो है जैसा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर जो है अपना जो शौक़ पैदा करें और उसके अंदर से जो जैसा अभी देखा जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो मतलब बच्चे स्पोर्ट्स से दूर रहने की वजह से जो है गलत इसमें जो है चले जाते हैं, तो उसको ना जाते वो स्पोर्ट्स में जाए और जाकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले ताकि जो है बच्चे जो है गलत संगत में ना पढ़कर जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादा लोगों को मतलब जो है तरजीह दे। बच्चों की कैपेसिटी है आप लोगों की? ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड जितने भी है, इसलिए हम लोग इतना 10 दिन पहले से दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से। शामिल होने के लिए रूल क्या है? रूल कुछ नहीं, आपको आपका आधार कार्ड लाना है बस, और आपको दो ऑफिस है, एक तनवर नगर पे जो ऑफिस है साकिब भाई की उधर, और एक यहाँ पर शाकिर अंकल की जो ऑफिस है यहाँ पर नशे मन में, एक तनवर नगर में दो ऑफिस है, तो उधर आप लोगों को आके वो केवल रजिस्टर करना है। वो रजिस्टर पे पूरी हमारी निगरानी रहेगी कैसे क्या होना है और बस इतना। कितने दिनों का रहेगा प्रतियोगिता? प्रतियोगिता एक ही दिन की रहेगी, सुबह 8 बजे शुरू होगी और जब तक स्पोर्ट्स चल रहा है मतलब खत्म होने तक के रहेगा, वो तो एंड टाइम नहीं बता सकते ना। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा रहेगा कि हमने गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू भाई के नेतृत्व में हमेशा हम लोगों ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है मुमरा कौसा में, हमेशा कभी फुटबॉल क्रिकेट ये सब चीज़ों को हमने आगे आके हमारी टीम ने हमेशा बढ़ावा दिया। इसी के ताल्लुक से हमने एक सोच रखी, मर्जिया ने एक सोच रखी कि हम लोग एक गली स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए खासतौर से कराया जाए जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं,
तो उसी को देखते हुए हमने 12 तारीख को सुबह 8 बजे घासवाला कंपाउंड में स्पोर्ट्स रखा है पूरे कौसा के बच्चों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग कौसा के जितने बच्चे हैं 15 साल के अंदर के वो आए और ये स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाएं। नई पीढ़ी नई सोच, ये मद्देनजर रखते हुए मर्दिया शरण प्रधान जी ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, जो संडे को प्रोग्राम होने वाला है स्पोर्ट्स का, मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि वो आए, अपना आधार कार्ड लेके आए और स्पोर्ट्स के मुताबिक आए कि मतलब जैसे स्पोर्ट्स शूज़ पहने ज़रूरी है और टी शर्ट और ट्रैक पहन के आए। और सारे लोग जो मर्दिया पठान की जो सोच थी कि 2-3 साल से कोरोना के वजह से स्किप हुआ स्पोर्ट्स बहुत लोगों सारे बच्चों का इनफैक्ट, तो वो नई सोच लेके उन्होंने ये मैदान में उतरी है और ये स्पोर्ट्स को रखा है। और बरसात से पहले इवन जब थोड़ी थोड़ी रिमझिम बरसात होगी उसमें और बच्चों को लुफ्त आएगा, खेलने में मज़ा आएगा, इसलिए स्कूल शुरू होने से पहले ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि आए और इस स्पोर्ट्स का मज़ा लें और अपना नाम अच्छी तरीके से दर्ज कराएँ। हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र साहब के मार्गदर्शन में और शानुभाई के सहयोग से मर्दिया पठान ने एक गली स्पोर्ट्स का ये रखा है घास वाला कंपाउंड में। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग का मज़ा ले और 12 तारीख को संडे सुबह 8 बजे से शाम, देखो कितना टाइम होता है, 5-5:30 बजे जो भी होगा, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसका मज़ा लें। ओके।